अज्ञात चोरों ने शटर उखाड़कर डाकघर में लगे एटीएम को बनाया निशाना, अब तक नहीं ली सुध। जी हाँ, कस्बे के बारावास मोहल्ले में स्थित मुख्य डाकघर परिसर में लगे एटीएम को अज्ञात चोर शटर को उखाड़कर एटीएम में नकदी चोरी कर ले गए, लेकिन करीब 2 वर्ष गुजर जाने के बावजूद विभाग की उदासीनता के चलते हुए आज भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिससे डाकघर से जुड़े उपभोक्ता इस सुविधा से महरूम है। एडवोकेट अजय निदानिया ने बताया कि लंबा समय गुजर जाने के बावजूद एटीएम चालू नहीं किए जाने से आमजन परेशान है। उन्होंने डाक तार विभाग के अधिकारियों से इसे दुरुस्त कर चालू करने की मांग की है। आपका नाम? नमस्कार, मैं अजय कुमार निदानिया। हाँ, एडवोकेट राज। यस, देखा जा रहा है कि तकरीबन 1.5-2 साल से पहले ये एटीएम में चोरी हुई थी। एटीएम चुराकर चोर ले गए। हाँ, उसके पश्चात लेकिन आज दिनांक तक ना तो इस पर कोई सिपाही की कार्रवाई हुई और ना ही यहाँ पर एटीएम लगा हुआ है, जिससे जो लोग हैं इनको कैश लेने देने बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों में जाते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, ई मित्रों की भीड़ ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को जिनके पास एटीएम होता है वो यहाँ से आसानी से बिल्कुल सटीक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं,